स्वागत है आपका पार्ट थ्री वीडियो में। चलिए मशीन को स्टार्ट करके चेक करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मशीन फुल पिकअप में नहीं चल रहा है। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा फुल एक्सेलेटर लेते ही मशीन अचानक से ऑफ हो गया। मशीन स्टार्ट होकर ऑफ हो जाता है। ऐसे में हम कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करेंगे। दोस्तों कार्बोरेटर का ट्यूनिंग हमने सेट कर दिया है। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करने के बाद भी आपका मशीन पिकअप नहीं बना रहा है, रेस नहीं हो रहा है, इंजन स्पीड नहीं चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ग्रीस कैप को निकालना है। ग्रीस कैप को निकालकर ग्रीस चेक कीजिए। ग्रीस कैप में ग्रीस भरा हुआ होना चाहिए इस तरह से। ग्रीस कैप में ग्रीस नहीं भरा हुआ है तो आप ग्रीस भर दीजिए। ये देखिए ग्रीस भरा हुआ है। यह कैप में ग्रीस भरा हुआ है इसलिए मैं इसे फिट कर रहा हूं। अगर आपके मशीन का कैप में ग्रीस नहीं भरा हुआ है तो आप ग्रीस भर के लगाइए। दोस्तों दोनों साइड से आपको चेक करना है। ये देखिए एक साइड से और भी चेक करना है। पहले आप इसे फुल टाइट कर लीजिए। ये देखिए एक साइड आपको इधर भी मिलेगा ग्रीस कैप। ये भी ग्रीस कैप को खोलकर आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ग्रीस भरा हुआ होना चाहिए ग्रीस कैप में।
कैप को खोलकर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कैप में ग्रीस नहीं भरा हुआ है तो आप ग्रीस भर दीजिए, ग्रीस भर के लगाइए। कैप में ग्रीस भरा हुआ होना बहुत ही ज़रूरी है, जब ये ग्रीस भरा हुआ रहेगा तो आपका पंप डैमेज नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा दोनों ग्रीस कैप में ग्रीस भरा हुआ है। चलिए अब मैं आपको मशीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा और फुल एक्सेलेटर को प्रेस करके मशीन को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जैसा कि देखा आपने मशीन हमारा बिल्कुल सही हो गया है। चलिए अब हम वाटर डालकर चेक करेंगे प्रेशर। मशीन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, एक्सेलेटर को प्रेस करने पर इंजन रेस हो रहा है। तो कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने देखा मैंने किस तरह से कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट किया है, इसी तरह से आपको कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करना है। हाई प्रेशर हॉस पाइप फिट करने से पहले आप चेक कर लीजिए वॉशर लगा हुआ होना चाहिए। दोस्तों किसान मशीन चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यह पार्ट 3 वीडियो है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 यह दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख सकते हैं। Okay, sorry, come on, I have to go.